बार फिर से हम अर्टिगा का डायमंड पैकेज यानी कि 1.5 लाख रुपए का जो बजट है ये गाड़ी के अंदर हमने मॉडिफाई किया हुआ है। VXI मॉडल ये आती है एंड जो गुजरात से मुझे प्यार मिला है, जो गुजराती भाई है मेरे, मेरा दिल से उनको शुक्रिया है। सर की गाड़ी में वर्ल्ड की नंबर 1 सन फिल्म जो आती है लुमार की हमने इंस्टॉल की है और आज आप लोगों के सामने इसका शेड भी इंट्रोड्यूस करना है। लुमार की अल्ट्रा हाई हीट रिजेक्शन फिल्म जो मेड इन USA की आती है कम्प्लीटली, जो इसका शेड है गाड़ी के ऊपर, अगर गाड़ी का कलर स्प्लेंडेड सिल्वर है तो फिल्म का भी कलर स्प्लेंडेड सिल्वर है। क्लियर फिल्म आती है जिसमें अंदर का हमको दिखता है अगर ये एंगल से हम देखते हैं तो, बट जब धूप पड़ती है तो ये फिल्म थोड़ी सी डार्क हो जाती है। टोटली सिरेमिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ये फिल्म आती है, जो लुमार का स्टील शेड आता है वो इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है। डिज़ाइंड फॉर द स्प्लेंडेड सिल्वर कलर कार, द स्प्लेंडेड सिल्वर कलर फिल्म ये आती है। आपकी गाड़ी का कलर अगर ग्रे हो, हमने वाइट गाड़ी पे तो काफ़ी शेड्स देखे हैं, बट अगर गाड़ी का कलर मेरा स्प्लेंडेड सिल्वर हो, ग्रे हो, तो लुमार का ये शेड हमको उसके अंदर लगाना पड़ता है। जस्ट सी द क्लियरेंस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द फिल्म। एक तो इसकी ख़ास बात क्या है, आपकी गाड़ी ज़रा भी अंदर से गर्म नहीं करती है ये फिल्म लगाने के बाद, जो इसका शेड है इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। सर ने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, रोहित जी मेरी गाड़ी अंदर से गर्म नहीं करनी चाहिए, मेरे बच्चे बैठते हैं, मेरे लॉन्ग ड्राइव काफ़ी उसके अंदर होता है, तो ये फिल्म अगर आप लगाते हैं तो ज़रा भी आपकी गाड़ी धूप में गर्म नहीं होती है। एंड गरवारे की हम देखते रहते हैं, बट थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी अगर हम जाते हैं तो लुमार का ये शेड आता है। इसका जो एप्लीकेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट है, अभी आप यहाँ से देख रहे हैं तो सीट्स विजिबल है, अगर यही फिल्म को आप यहाँ से देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर रिफ्लेक्शन मिलता है। इसका गेटअप आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मारुति जेन्यून प्रोडक्ट्स के साथ, चाहे दो स्पॉइलर हो, इट्स अ मारुति जेन्यून, 4,500 रुपये के रेंज का पड़ता है, चाहे मोल्डिंग हो जो दरवाज़ों पे हमने लगाई है, इट्स द मारुति जेन्यून, द 3,500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ती है, चाहे आर्म रेस्ट हो वो भी मारुति जेन्यून है, जो ZXI मॉडल का ये गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है, जो प्रॉपर पूरा कॉन्सोल रिप्लेस होके लगता है आप लोगों के सामने है। चाहे इसका इंटीरियर हो, द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर जो मेरा फेवरेट रहा है एंड जो पूरे इंडिया से आप लोग ने ये कलर पे मुझे प्यार दिया है, स्टोन एडिशन की स्टाइलिंग किट के साथ, अगर गाड़ी का कलर सिल्वर है तो स्टोन शेड हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ी का कलर है वो कलर हमको थोड़ा सा इसके हाइलाइट्स में दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। सेट ऑफ 12 पीसेस की ये आती है, चाहे गियर के इधर का कंसोल हो, चाहे स्टेयरिंग के बीच का पैनल हो, आप लोगों के सामने है कि स्टोन एडिशन की किट के साथ कोटेड है। चाहे दरवाज़ों में लेदरिंग का वर्क हो, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से है। एंड द 1+1 स्कीम जिसमें डैशबोर्ड अगर हम लेदर रैप करते हैं तो गियर का जो लेदर है वो मेरी तरफ से है, स्टेयरिंग अगर आप रैप करते हैं तो जो एयरबैग की रैपिंग है वो मेरी तरफ से है, सीट कवर अगर आप लगाते हैं तो नेक कुशंस मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, जो टॉप गियर के सीट कवर्स हैं किस तरीके से इंस्टॉल होने के बाद दिखते हैं, विद द टॉप गियर ब्रांड 70 मैट्स जो इसके अंदर हमने लगाई है आप लोग देख सकते हैं, द 70 मैट्स ऑफ द टॉप गियर ब्रांड, पाँव इसके ऊपर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है द अपर लेयर इज रिमूवेबल एंड डिटैचेबल, ईजी टू क्लीन। चाहे इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स हो दरवाज़ा खोलने में, अर्टिगा का डोम कट के साथ जो ये लाइट्स जलती हैं, चाहे हमारे डोर वाइजर्स हो, जो मिरर में न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है द मिरर डोर वाइजर पार्ट 2 जिसको हम बोलते हैं, द फर्स्ट मॉडल हमने देखा है, ये सेकेंड मॉडल है जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा और कंपनी ने इम्प्रूव किया है। चाहे इसके एक एक फ्यूल टैंक कवर्स हो वो मेड इन इंडोनेशिया के आते हैं, जस्ट सी द डायमंड कट फ्यूल टैंक कवर जो ब्लैक एंड क्रोमियम में हमने लगाए हैं। व्हील कैप्स हैं जो एलॉय व्हील का लुक देते हैं गाड़ी को बाहर से, दरवाजे की मोल्डिंग है, 3,500 रुपये के व्हील कैप पड़ते हैं, जो हमारे डोर वाइज़र है 2,000 रुपीज़ के रेंज के पड़ते हैं, ये वाले जो आते हैं, पुराना डिज़ाइन 1,500 का पड़ता है। द बटरफ्लाई DRL सेटअप इन द हेडलाइट आप लोगों के सामने है जो हमने किया है, किस तरीके से जो ये DRLs हैं ये ऑन होने के बाद तो ब्यूटीफुल देती ही है, बट जब ये ऑफ है और ये ऑन होती है तो एक इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। हेडलाइट में हमने रिंग लगाई है जिसका कलर आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं। फॉग लाइट्स हैं जो वाइट एंड येलो
डुअल लाइट्स के साथ आती है। एक बार फिर से, अगर हेडलाइट का अपग्रेडेशन आप करते हैं, द DRL अपर लोअर रिंग द हेडलाइट बल्ब अपग्रेड HID एंड LED, तो फॉग लैम्प के जो बल्ब हैं मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। द HID किट हैज़ बीन एडेड इन द प्रोजेक्टर एंड हाई बीम के जो बल्ब है उसमें वाइड भी है, येलो भी है। एक क्रोमिंग का थोड़ा सा वर्क हमने किया है, चाहे वो विंडो पे हो, चाहे वो पीछे के पैनल पे हो जो ZXIMA कंपनी हमको दे रही है, चाहे वो नंबर प्लेट के नीचे हो, द यूक्रोम। खाली एक टेल लाइट को ब्लैक बॉर्डर करने से, टेल लाइट हमने चेंज नहीं की है, सर की इच्छा नहीं थी, बट उसी टेल लाइट को थोड़ा सा ब्लैक लुक दिया है विद द मैट ब्लैक, इट्स नॉट द ग्लॉसी, जस्ट सी द मैट ब्लैक फिनिशिंग ऑन द टेल लाइट। जो ये गाड़ी के टच स्क्रीन को भी हमने अपग्रेड किया है, जो नेट प्ले का हमारा आता है, 2 GB रैम, 16 GB मेमोरी, ऑफलाइन मैप्स के साथ, 15,000 रुपीज़ के रेंज का पड़ता है। इसकी फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं, हाई फाई ऑप्शन के साथ आता है। हाई फाई यानी कि एक लाल बटन है जिसको दबाने से स्पीकर वूफर के जैसे बजते हैं। हर्ट्स के कंपोनेंट्स हमने अपग्रेड किए हैं, आगे के 2,650 रुपये के स्पीकर पड़ते हैं जो हर्ट्स के हमने उसके अंदर लगाए हैं। 4,000 रुपये की लेदरिंग है जो हमने दरवाज़ों में की हुई है। 70 मैट्स आप लोग देख सकते हैं, एंड हर्ट्स के जो स्पीकर्स भी हमने लगाए हैं उसका भी मैं बॉक्स आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो एक बार फिर से, जो गुजरात से ये गाड़ी हमारे पास आई है, सिंपल सोबर एंड एलिगेंट वे में हमने डिज़ाइन की है। इस तरीके से ये कंपोनेंट्स हैं हर्ट्स के, K165 300 वॉट विथ अ 75 वॉट RMS, जो कंपनी के आपके निकलते हैं वो 25 वॉट की RMS के साथ आते हैं। दिस इज़ 3 times मोर पावरफुल, एंड डैम्पिंग हमने की है चारों दरवाजे में, जिससे रोड नॉइस ज़रा भी नहीं आती है, जो हमारे डोर्स हैं रिजिड हो जाते हैं, और सरफेस विदाउट डैम्पिंग एंड सरफेस विद डैम्पिंग काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट फिल्म लगा के बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, जो शेड है इसका नंबर 1 है, एंड आइए एंड लोमार की फिल्म अपनी गाड़ी में लगा के जाइए। फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द अल्टिगा स्प्लेंडेड सिल्वर ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, सर का भी इंटरव्यू हम देखेंगे किस तरीके से। अल्टिगा स्प्लेंडेड सिल्वर विद द डायमंड पैकेज, जो ये वीडियो हमने देखा है, चिंतन जी है ओनर ऑफ द कार, जो गुजरात से हमारे पास ट्रैवल करके आए हुए हैं। सुबह आए, ये रोहित भाई गाड़ी है, खाली पर्शियन ग्रीन इंटीरियर हमको करना है और पूरा डायमंड पैकेज के हिसाब से, जो जो आपने दिखाया है, कौन सी चीज़ का कितना रेट है, क्या है, कुछ पूछा ही नहीं सर ने मेरे को, बोला ये गाड़ी को अपने को पूरा पर्शियन ग्रीन इंटीरियर के साथ, DRLs के साथ, जो रिंग हमने इसके अंदर लगाई है, व्हील कैप्स के साथ, हेडलाइट के बल्ब, क्या चाहे स्पॉइलर हो वो स्प्लेंडेड सिल्वर है मारुति का जेन्यून, चाहे मोल्डिंग हो वो जेन्यून है, एक लग्जरी इंटीरियर के साथ, डैम्पिंग के साथ, हर्ट्स के ऑडियो के साथ इसको हमने अपग्रेड किया है। चाहे हर वो सेक्शन हो, चाहे बाहर का लुक हो वो प्रीमियम है, चाहे अंदर का लुक हो वो लग्जूरियस है, चाहे साउंड सिस्टम हो वो नंबर 1 है, चाहे लाइट्स का वर्क हो, इसमें हमने किया है। हम वेलकम करते हैं सर का, जो इतने दूर से हमारे पास आए हैं। कितने किलोमीटर है सर हमारे? 900 किलोमीटर है। शाम को निकले थे, सुबह पहुँचे हैं। किस तरीके से चिंतन जी अपना एक्सपीरियंस रहा है और क्या बोलेंगे दो लाइन? वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो देख रखे हैं इसके अर्टिगा के, लेकिन जो मैंने देखा ये पर्सनल ग्रीन वाला, बहुत बढ़िया था काम उसका, वही दिमाग में रख के आया था और वही काम करवाना था मेरे को। और मेन बात, जो आज हमने फिल्म लॉन्च की है कांच पे, गाड़ी का जो कलर है सिल्वर, फिल्म का भी कलर है सिल्वर जो लोमार की वर्ल्ड की नंबर 1 लोमार नंबर 1 बराबर है, कोई चीज हमने उसके अंदर लगाई है। सो एक और डायमंड पैकेज का कॉन्सेप्ट स्प्लेंडेड सिल्वर पे हम देख सकते हैं, लाइक वगैरह करना चाहिए। और गुजराती में दो शब्द क्या बोलेंगे? गुजराती में बोलते हैं इसको जोरदार। हम लोगों ने जो सोचा था वही पाया है, वी आर सेटिस्फाइड। थैंक यू करते हैं आपको, पूरी फैमिली को हमारी, किस तरीके से ये अर्टिगा हमने मॉडिफाई की है। लाइक वगैरह करना चाहिए जो देख रहे हैं वीडियो, डेफिनेटली लाइक द वीडियो, आए काम अच्छा रहेगा, मजा आएगा आपको। लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।